बड़ा अफसोस है मैं, और वहीं अभी मैं संस्कार पर जा रहा हूँ, और परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। चीफ मिनिस्टर साहब के, कट्टर साहब के पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे, ताकत दे। मैं बड़ा दुख है पूरी पार्टी को इस बात का। किस तरह उनके व्यक्तित्व को देखते हैं आप? एक्चुअली एक आम परिवार से उठ करके ना संघर्ष इस परिवार ने किया है, और जो है ना खेतीबाड़ी से उठ करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आज नागड़म्य परिवार रहा है, उसके लिए बड़ी क्षति है। काफ़ी समय से किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबा खींच गया मामला, आपको लगता नहीं? मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द डायलॉग शुरू होगा और इस बात का सब चीज़ों का निपटारा होगा। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा? नेचुरली होना है, सभी चीज़ें होनी है। मंत्रिमंडल का विस्तार है, बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन सब चीज़ों का, वो सब सरकार के फैसले हैं, सरकार के। मंत्रिमंडल से एक मंत्री जेजेपी का भी बने? हाँ, निश्चित तौर पर, जो हमारी पार्टी का है, पार्टी का बनेगा। पिछले दिनों देखा गया कि गुरनाम सिंह चंडूनी ने ऐलान किया कि नई राजनीतिक पार्टी। गुरनाम सिंह चंडूनी तो पॉलिटिकल आदमी है, तो डेवन से ही हम कह रहे हैं, और इस सारे आंदोलन को मिसगाइड करने का अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो गुरनाम सिंह चंडूनी का है। चंडूनी तो अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा है, बनने लायक वो एक शहर के वार्ड का एमसी भी नहीं है, तो इस तरह के लोग हैं। बलजीत सिंह दादूवाल हल्की मध्यस्थता कर रहे हैं किसानों और सरकार, करनी चाहिए। जो बलजीत सिंह दादूवाल तो जो है ना इसके आपके एसजीपीसी के प्रधान हैं, और वो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई हो जाए। लगता कि मामला जल्द सोल्व होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम सब दुखी हैं इस बात को लेकर के, जल्दी होना चाहिए।